सिवनी जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एसडीओपी पुरुषोत्तम मरावी के निर्देशन में और बंडोल थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में 24 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 3 बजे गोवंश तस्करों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में 11 नग गाय क्रूरता पूर्वक नागपुर कत्ल के लिए ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर बंडोल नागपुर रोड पर रेड कर कार्यवाही की गई, जिसमें 11 नग गाय थी, उसमें 9 नग गाय जीवित और 2 नग गाय मृत थी, जिन्हें गौशाला पहुंचाया गया। बंडोल पुलिस द्वारा गोवंश तस्करों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही जारी है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। शिवनी पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में ही ये सभी कार्रवाई की गई थी। साहब का मार्गदर्शन जो था उसके तहत ये रेड कार्रवाई हुई है और इसमें ये सही बात है कि अगर 20 दिनों में 4 बड़ी कार्रवाई जो तस्करों के विरुद्ध हुई है और 24/8/2023 की ये दरमियानी रात थी, इसमें भी एक पिकअप वाहन था MP30BD 1399 जो नागपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें 11 गाय क्रूरतापूर्वक भरी हुई थी, उनको भी जब्त किया गया, वाहन को भी जब्त किया गया, 2 गाय उसमें से मृत भी हो गई थी। तो गोवंश तस्करों के विरुद्ध लगातार जिले में भी सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से। सर, जो अवैध गतिविधि करने वाले पर आम जनता का आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जो भी अपराध हैं उनका नियंत्रण करना पुलिस का लक्ष्य है और क्षेत्र में जो भी जुआ सट्टा शराब है इसको अवैध गतिविधियों को रोकना मेरा पहला लक्ष्य है। किसी भी नागरिक के पास अगर कोई सूचना हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे वो सूचना दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।